हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूँ अपने गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम हैंगिंग पॉट में कैसे पानी दें। बहुत से हमारे जो दोस्त हैं वो पानी इस तरह देते हैं कि हैंगिंग पॉट के ऊपरी से पानी देते हैं, जो कि साइड से ड्रेन आउट हो जाता है और हमारी जो पौधे की जड़ें हैं उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। तो आज आपके साथ एक नया तरीका शेयर करूँगा, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। तो पहले ये देखिए, मैंने कुछ प्लांट लगा रखे हैं हैंगिंग पॉट में। ये है देखिए, पिटूनिया है। तो नीचे ये देखिए, ये हमने गमले में कैलेंडुला लगा रखा है, तो इस समय बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये देखिए, इधर ये है पिटूनिया और इधर पेंजी है, फिर इधर पिटूनिया है। तो मैंने कई कलरों में लगा रखे हैं हैंगिंग पॉट में, तो आज इसी को हम पानी देना सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए, हमको ना एक बाल्टी चाहिए। बाल्टी आप ऐसी लीजिए जिसमें आपका जो हैंगिंग पॉट है वो पूरी तरह से पानी के अंदर चला जाए। तो हम अपना हैंगिंग पॉट निकालेंगे और इसको हम पूरा, ये बाल्टी में आधा पानी रखें, फुल ना रखें। तो जब आप इसमें हैंगिंग पॉट डालेंगे ये, तो ये देखिए, ये हमारा पूरा हैंगिंग पॉट जो है कि पानी में चला जाएगा। और देखिए, इसमें एयर बबल जो है वो निकलने लगे हैं। दोस्तों, ये एयर बबल जब तक निकलते रहें, आप हैंगिंग पॉट को इसी में रखें। जैसे ही एयर बबल निकलना ख़त्म हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपके जो हैंगिंग पॉट है उसमें अच्छे से पानी लग गया। दोस्तों, एक और तरीका है, अगर आपको कोई फर्टिलाइज़र देना हो लिक्विड, तो आप इसी में मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि अच्छे से प्लांट को हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। और अगर आप इसमें DAP डालना चाहते हैं, तो इसको एक बार निकालने के बाद इसमें दो चार दाने DAP डाल दें। तो अपने एक एक करके सारे मैं हैंगिंग पॉट को ऐसे ही पानी देता हूं। इससे क्या है कि जो हमारी प्लांट जो हैंगिंग पॉट में लगे रहते हैं, उन्हें अच्छे से वाटरिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए।